सबसे मैं अनुरोध करूंगा इस वैश्विक महामारी के संबंध में लोगों को जागरूक करें, उनको समझाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ आप लाइन पर रहना, मैं कॉन्फ्रेंस पर मनोज भाई और संजय को ले रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? मोदी जी का उद्बोधन तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। हाँ लोग, सारी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO की रिपोर्ट ने भारत को आभावी कर दिया। हाँ। और मैं इटली और चीन की सारी गंभीर खबरों को देख रहा हूँ। हाँ, मेरे भी एक रिलेटिव है वही इटली में, कल हो रही थी मेरी उनसे बात। उन्होंने बताया कि हालात वहाँ भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। अगर ऐसा है लोकेश भाई, तो फिर हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए और मोदी जी के एक दिन का जनता कर्फ्यू का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। अरे यार, तुम लोग इतना आगे तक का क्यों सोचते हो? अरे ये तो विदेशों की बीमारी है, अपने यहाँ थोड़ी आ रही है। तुम बेबजा डरते हो यार, तुम लोग यार है? कल तो भैया मैं तो घूमने निकलूंगा और तुम सब लोग मेरे साथ आ रहे हो, ठीक है? अरे भाई, लोकेश भाई और मनोज भाई सही बोल रहा है। क्या आप न्यूज नहीं देखते कितनी तेजी से फैल रहा है देश में, पता है? मात्र हमें एक दिन घर में रह के कोरोना के जो वायरस फैल रहा है ना, उसे रोकना है। देखो भाई, तुमको जो ठीक लगे वो करो, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ। हर जगह खतरा उठाना ठीक नहीं होता मेरे भाई, किसी दिन देरी ये आदत तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगी। लापरवाही करना छोड़ दो यार। भाई लोग, इतना गंभीर विषय है और हम लोग आपस में बहस करें ये उचित नहीं। अब जिसको जो ठीक लगे वो करे, मुझे नींद आ रही है। हाँ, लेकिन नींद आ रही है, फोन काटने से पहले मेरी एक बात और सुनो। कल शाम को 5 बजे हम सबको अपने घर की बालकनी में, अपने आंगन में खड़े होकर, जो कोरोना के योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, पत्रकार हैं, उनके सम्मान में ताली बजाना है, थाली बजाना है, शंख बजाना है और अपने देश की एकता का परिचय देना। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सूचना सुन लो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, कोरोना वायरस को हराना है और हमारे देश को जिताना है। आप सबसे निवेदन है, कल अपने अपने घरों में ही रहे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। COVID-19 भारत देश पूरा ग्रसित है। इस महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अत्यावश्यक कार्य होने पर ही। Thank you.
हाँ लोकेश भाई। यार बड़ी हैरानी करने वाली बात हुई। क्या? कि विजय बार बार फोन करके कह रहा था। अरे भैया 10 दिन हो गए तुम्हें घर ही घर में। चलो आज नंदा जी के दर्शन करवा के लाता हूँ। अरे क्या यार, अरे थोड़ी देर में कोरोना थोड़ी आ जाएगा यार। चलो ठीक है बाहर आ जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। और जल्दी आएंगे वापस? हाँ हाँ बस अपन जाएंगे और आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। अभी मैं घर से बाहर निकला। इसको समझाओ आप यार, ये तो कुछ तो भी कर रहा है यार, मान नहीं रहा है। अरे यार ये बिल्कुल नहीं मान रहा यार, बंज की स्थिति में ऐसी लापरवाहियों की तरीके से घूम रहा है। तो मैं काम करो, फोन रखो, मैं अब भी हाल बात करता हूँ उससे। हाँ ठीक है। हाँ मनोज भाई बोलो। ये क्या पागलपन है यार विजय भाई, क्यों बिना मास्क बाहर घूम रहा हो, अपनी लापरवाही का प्रदर्शन कर रहा हो? लगता है तुम्हारी लोकेश भाई से बात हो चुकी है। अरे लोकेश भाई की छोड़ो, अपनी सुरक्षा में दिन रात एक कर रही पुलिस से तो डरो। अरे भाई वो भी डॉक्टर की पर्ची दो दवाई की और लेके निकल लो, पुलिस पूछे तो बता देना और घूमो। वेरी सिंपल। ये आंख में चोली पुलिस से नहीं, अपनी जिंदगी और मौत से कर रहा हो विजय भाई। मैं तो ऐसे ही कर रहा। कम से कम अपने उम्रदराज पिता की तो चिंता करो, इस बार ना करे उनको कभी कुछ हो जाए तो ऐसे बंद के हालात में कभी कोई आएगा भी नहीं। अरे बस बस यार, ये इमोशनल लेक्चर देना बंद करो, समझे ना। और हाँ बेटा। हाँ कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैंने आपका खाना निकाल दिया है, आप वो खाना खा लेना और मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप मेरी रास्ता मत देखना ठीक है। सुन सुन, अरे कहाँ जा रहा है, कोई मास्क नहीं कुछ नहीं, सुनता भी नहीं बेटा। कहाँ घूमता रहता है बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, पानी लाके दे मेरे को। कब आओगी पानी? मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।
दिन घर ही घर में मैं बस कोरोना की खबरें भेज रहा हूँ यार। हमारा घूमना फिरना तो जारी होगा। अरे बाबूजी भी गुस्सा हो रहे थे, बहुत भारी भार घूम रहा है, घर पे जा गया। हंसी क्यों चल रही तुम्हें? अरे नहीं नहीं, कल एसी में सो गया था, उससे सर्दी झांसी हो गई। अरे नहीं भेजे भाई। अरे शाम तक ठीक हो जाएगी भाई। आप जरा ठहरो, मैं कोरोना हेल्पलाइन में मेरे एक परिचित डॉक्टर हैं, उनसे बात करके आपको कॉल वापस करता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार लोकेश, बताइए। मेरा एक दोस्त है, लापरवाही से रोज शहर भर में घूम रहा था डॉक्टर साहब, बिना किसी सुरक्षा के, मास्क के। आज सुबह से उसको खांसी चल रही है और बुखार आ रहा है। अच्छा, घर में उसके पिताजी भी हैं और उन्हें डायबिटीज है। ओके लोकेश जी, आप इनकी डिटेल मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं सैंपलिंग के लिए अपनी यूनिट को भेज देता हूँ। जी, बट यू विल गेट द रिपोर्ट इन 3 डेज। ओके 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 डॉक्टर साहब। हाँ लोकेश भाई, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। हाँ, अभी कोरोना की जो यूनिट है वो आपके घर पहुँचेगी, उनके साथ ठीक से कॉपरेट करना। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ आए थे एम्बुलेंस लेके आए थे, मेरा और बाबूजी का सैंपल ले गए। क्या हो गया बाबूजी? अब तो मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसा मत कहो बाबूजी। पर तू अस्पताल चला जाना बेटा। हाँ बाबूजी। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जल्दी फोन लगा दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सर ये COVID-19 कोरोना की सारी रिपोर्ट्स। जी डॉक्टर साहब। अच्छा लोकेश जी, आपने हमें कॉल कर दिया था। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? बेड लगाओ, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओह नो, हम उन्हें ले जाएं अपनी यूनिट के साथ, एम्बुलेंस भेजा है, वे घर पर ही ना है, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ करता हूँ। बाबूजी, तेरे दोस्त तुझे कितना समझाते थे, ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं बेटा। मुझे बस यही दुख रहेगा कि ना मुझे कोई कांधा दे पाएगा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहो बाबूजी। तू मेरी चिंता को आग दे पर। ऐसा मत कहो बाबूजी, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो बाबूजी। पर एक बात ध्यान रख बेटा, अपने दिल पे मत लगा लेना कि तेरी वजह से मेरी जान गई। उससे गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दो बेटा।
हमेशा खुश रहे। बाबूजी लोकेश भाई, बाबूजी अब दुनिया में नहीं रहे। हाँ लोकेश भाई। मनोज भाई, अंकल नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? और हम लोग अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे होगा अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार प्रशासन ही करवाएगा। हाँ लोकेश भाई, ये लॉकडाउन के रूल्स में भी हैं, फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। खुद से किया रे मैंने गात रे, खुद से किया रे मैंने गात रे, मेरे सर पे नहीं रे कोई हाथ रे, सर पे नहीं रे कोई हाथ रे। बाबूजी कर गए मुझको अनाथ रे, मेरे सर पे नहीं रे कोई हाथ रे, सर पे नहीं रे कोई हाथ रे। बाबूजी कहाँ चले गए ऐसे क्यों मुझे छोड़ के, बाबूजी कहाँ चले गए ऐसे क्यों मुझे छोड़ के, मेरे तुम दाता अल्लाह राम रे, मेरे सर पे नहीं रे कोई हाथ रे, मेरे सर पे नहीं रे कोई हाथ रे। तुम सबके प्रेम सखा थे और सबके मन में भाए, तुम सबके प्रेम सखा थे और सबके मन में भाए, अर्थी को कांधा देना पाए रे, मेरे सर पे नहीं रे कोई हाथ रे, सर पे नहीं रे कोई हाथ।